महज तस्वीरें मात्र हैं, लेकिन असल मायनों में ये उस फिल्म का ट्रेलर है जो केरल की सियासत में फ्लोर पर आ गई है। और इस फिल्म का डायरेक्शन जहां बीजेपी के हाथ में है, तो इसका कॉन्सेप्ट जुड़ा है हिंदुत्व और दक्षिण पंथ से। जी हाँ, राजनीति की हिंसा से झुलसते केरल में अब अपनी सियासत को पकाने की तैयारी में जुट गई है देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी शुरुआत खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने दौरे से कर दी। और इसके ठीक बाद पार्टी में कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की केरल एंट्री ने इस बात पर मोहर लगाकर इसे और पुख्ता कर दिया। पर सरेआम हिंसा को प्रसरो प्रेरित करके एक जिहादी आतंक का माहौल यहाँ पर यहाँ की सरकार के द्वारा बनाया गया है। वामपंथ की विचारधारा से सराबोर केरल और वहाँ की जनता के सामने शायद अब तक कोई प्रभावी विकल्प अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सका है। ऐसे में बीजेपी के पास पूरा मौका है कि न सिर्फ केरल में एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए, साथ ही एक विचारधारा के साए के तले खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत कर सके। Their relay race is a race of violence, of terror, of intimidation, of bullying, because these are all encounter specialists. तो सीपीएम नेता वृंदा कारात ने खुद बीजेपी नेताओं को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हुए उन्हें नसीहत दे दी है। लेकिन अब जानिए कि किस तरह की आग में झुलस रहा है केरल। केरल में राजनीतिक हत्याओं का मसला एक गंभीर विषय। यहाँ पर वाम और संघ के संघर्ष में अब तक कई जाने गईं। सिर्फ कन्नूर में 25 सालों में दोनों पक्षों के 43-43 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 2005 से अब तक केरल में कुल 52 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें संघ के 26 और सीपीएम के 21 कार्यकर्ता शामिल। फिलहाल बीजेपी इस घटनाक्रम को सियासी तौर पर भुनाने की फिराक में है। बहुत संभव है कि विचारधारा के टकराव का बीजेपी को फायदा मिले। राजनीति कब और किस मुद्दे पर नहीं हुई, लेकिन केरल के हालात को लेकर पनपी सियासी तस्वीर कुछ अलहदा नजर आती है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ राजनीतिक हत्याओं के रास्ते बीजेपी दक्षिण पंथ का झंडा बुलंद करने की कोशिश में है, तो वहीं उसकी विरोधी वाम विचारधारा इस वक्त उसे रोकने के लिए एकजुट नजर आ रही है। जाहिर है कि एक ऐसा सियासी टकराव है जिसकी धमक सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करती दिखाई देगी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने केरल में अपनी एंट्री का एजेंडा तय कर दिया है। उस काम पर वो शुरुआत भी कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या अन्य नेता, उन्होंने वहां रैलियां निकालनी शुरू कर दी हैं। और इस दौरान इन्होंने अपना हथियार बनाया है विचारधारा को। बीजेपी केरल में खुद के विस्तार के लिए वाम पंथ के खिलाफ दक्षिण पंथ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। एक दिन पहले अमित शाह का दौरा और अगले दिन भाजपा के सख्त हिंदुत्ववादी चेहरे योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा से इन कयासों पर मुहर भी लग गई है। खैर, क्या केरल में आप विचारधारा के नाम पर लड़े जाएंगे अगले चुनाव? क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट के ध्रुवीकरण में सियासी हिंसा का सिलसिला पुराना है। इसमें बीजेपी की बजाय संघ के कार्यकर्ताओं से लेफ्ट का टकराव जारी है। और इस टकराव का किसको कितना फायदा मिलेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े कुछ बिंदुओं पर। क्या राजनीतिक हत्याओं को केरल में मुद्दा बनाने की फिराक में है बीजेपी? अगर हाँ, तो क्या बीजेपी इसका सियासी फायदा हासिल कर सकेगी? केरल में विचारधारा का यह टकराव किस दल के लिए मुफीद साबित होगा? क्या बीजेपी की कवायतों की काट खोज सकेंगे विरोधी दल? तो आपने देखा ये किस तरह का सिलसिला है
हिंसा में जाने गई हैं और सत्ता के लिए संघर्ष या सत्ता में संघर्ष, इसके लिए राजनीतिक विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर इस तरह के हिंसक हमले, एक दूसरों की जान लेने का सिलसिला ये नया नहीं है। और ये सिलसिला तब अधिक बढ़ता है जब केरल में वामपंथ की सरकार होती है और ये संघर्ष आमने सामने का होता है। ऐसा नहीं है कि केरल में सिर्फ वामपंथी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी सरकारें रही। हाँ, बीजेपी का वहाँ बहुत मुश्किल से एक बार खाता खुला है। तो अब बीजेपी वहाँ अपने पैर जमाना चाहती है। जाहिर है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल हो या केरल, इन दो अभेद गणों को भेदना चाहती है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा और भूषण भट्टाचार्य हैं जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे, सीपीआई के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूषण, यदि आपको मेरी आवाज आ रही हो, भूषण आपको मेरी आवाज आ रही है? सही आ रही है। भूषण, क्या देखते हैं आप, ये किस तरह का संघर्ष है? आपकी सरकार पर इतने गंभीर इल्जाम हैं और दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया है, इस तरह की हिंसा क्यों बढ़ रही है आपके शासन में? देखिए, केरल में दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात, केरल में ये जो राजनीतिक हिंसा का जो दौर है, इसकी शुरुआत लंबे समय पहले वहां के जो बीड़ी उत्पादक है उन्होंने अपने मजदूरों को दबाने के लिए संघ के लोगों को वो लेके आए थे और तब हत्याओं का ये दौर शुरू हुआ था। और इस लंबे दौर में 60 के दशक से लेकर अभी तक वामपंथी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में उनकी जाने गई हैं, उनको घर में घुस घुस कर मारा गया है। सवाल आज की परिस्थिति जो है, आज आपने खुद ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन हत्याओं को भुनाने की कोशिश कर रही है। केरल में उनकी कोई जमीन नहीं है, केरल में उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, केरल में उनको कोई राजनीतिक समर्थन भी नहीं है, पर वो केरल को इसलिए सामने लाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण, मूल कारण ये है कि केंद्र में और राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो विकास के मुद्दे पर विफल हो रही है, और केरल में वामपंथी जो सरकार है, जो वाम मोर्चे के नेतृत्व में चल रही है, वो विकास के मुद्दे पर शानदार रूप से सफल हो रही है। हमें ये बताया जाए कि देश में और कौन सा राज्य है जहां पे न्यूनतम मजदूरी, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए प्रति माह दी जाती है, वो केवल केरल है। केंद्र सरकार उसको इंश्योर नहीं कर पाती, केंद्र सरकार उसको दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित नहीं कर पाती, केरल में सुनिश्चित किया जाए। भूषण भट्टाचार्य, मेरा आपसे सवाल है, भूषण भट्टाचार्य, मेरा आपसे सवाल है, आपकी सरकार है, हिंसा हो रही है, आप कह रहे हैं कि बहुत पुराना सिलसिला है ये, आप ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं की जाती रही हैं, लेकिन राजनीतिक हत्या तो आपके शासनकाल में ही सबसे अधिक हो रही हैं, और आरएसएस का कार्यकर्ता मारा जाए या वामपंथी कार्यकर्ता मारा जाए, मौत तो हो रही है वहाँ, हत्याएं हो रही हैं और बहुत बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि आप की जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस परिस्थिति को डील कर रही है। मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। केंद्र के वित्त मंत्री अभी पिछले दिनों केरल दौरे पर गए थे, जिस दिन वो केरल में दौरा कर रहे थे उस दिन पहले से निर्धारित ऑल पार्टी मीटिंग वहां के चीफ मिनिस्टर ले रहे थे, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो नेता हैं उन्होंने ये कहा कि एकदम सही तरीके से सरकार डील कर रही है। सरकार ने वहां पर साफ तौर पर कहकर रखा है कि किसी भी हत्या को
किसी भी ऐसे मारपीट को वो सहन नहीं करेगी, उसको उस पे उचित कदम उठाया जाएगा और कदम उठाया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश नहीं की जा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी परिस्थिति को राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए कभी पूछा में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कभी पूछल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दुर्गेश शर्मा, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार थी, हिंसा कम थी, हिंसा तो तब भी होती थी, लेकिन अभी तो बहुत हिंसाएं हो रही हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर विरोध कर रही है, सब जगह उसका कहना है कि संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। रिजवान भाई, अब भारतीय जनता पार्टी केरल में जन रक्षा यात्रा निकाल रही है, काश ये रक्षा यात्रा और जनता जनार्दन की रक्षा करने की जो इनकी सोच पे यात्रा निकाल रही है उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरे देश में काम करती है, क्योंकि पूरे देश में आज बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है और वहां पर जनता के ऊपर कितनी हिंसा हो रही है, जनता के बीच में कितना द्वेष पैदा हो रहा है, कितना आपसी मतभेद पैदा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जब भी देखा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी या वह संस्था जिसके कार्यकर्ताओं की हत्या के नाम पर, पहली बात तो वह जिस संस्था की बात करते हैं संघ, उनके कार्यकर्ता वो संस्था जिसने आज तक हिंदुस्तान के संविधान का ना मान रखा है ना सम्मान रखा है ना आज तक उसके नाम पर संविधान में पंजीयन कराया, तो एक ऐसी अपंजीकृत संस्था जिसके सदस्य कौन है क्या नहीं है इसकी जानकारी उनको है, बाकी पूरे समाज को कुछ नहीं मालूम कि ये व्यक्ति संघ का है, वो कहते हैं कि ये हमारा संघ का फलाना है तो ये है, सरकार और शासन को नहीं मालूम, ऐसे संघ के लोगों की हत्या हो रही है, उनके लिए आज केरल में आप युद्ध करने के लिए और लड़ने के लिए और सड़कों में उनकी सुरक्षा के नाम पर जनता जन रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हीं के वही संघ से जुड़े हुई अन्य जितनी संस्थाएं हैं जो कि उनके अधीनस्थ आती हैं वह पूरे देश में एक वातावरण बिगाड़े हुए हैं, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर बिगाड़ रखा हो, चाहे आज मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, हाल ही में उनके प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने किसानों को नंगा करके पीटा, इस तरह कि जो बातें हैं ये रक्षा करने की बात देश में पूरे में क्यों नहीं करते, करना है तो पूरे देश में बात करें, लड़ना है तो पूरे देश में लड़ें और ईमानदारी से आम जनमानस के लिए। दुर्गेश शर्मा, मेरा सवाल केरल को लेकर है। मैं आदरणीय बात वही कह रहा हूँ, मेरा सवाल आपको केरल से लेकर है। आज आप केरल का चुनाव, केरल की राजनीति को देखते हुए केरल में आप जाके कह रहे हैं कि संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की हत्या के ऊपर ही आप क्यों बात कर रहे हैं? आप तो पूरे देश को आपके अधीन में आना है, पूरा देश आपके अंडर में है, तो आप पूरे आम जनमानस भारतीयों के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे, क्यों नहीं उसके लिए काम कर रहे, क्यों आपका पीएम प्रधानमंत्री मोदी शांत बैठा है, जो यूपी का मुख्यमंत्री आज आप वहां पर हिंदुत्व के नाम पर का ये शब्द है तुम्हें डिबेट करने के लिए, जब वहाँ देखिए दुर्गेश शर्मा, नरेंद्र मोदी हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो मैं आदरणीय मोदी कह रहा हूँ कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी शांत बैठे हुए कांग्रेस की कोख पूरे देश के अंदर, आज किसानों के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर, और लाठियों से पीटा जा रहा है। दुर्गेश शर्मा, दुर्गेश शर्मा, मैं आपको रोकूंगा, मेरा सवाल आपसे ये था केरल में जो ये हिंसा हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इस बात का विरोधी हूं कि कहीं भी कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, वो हिंसा जहां भी हिंसा होती है उसका मैं विरोध करता हूं, मैं तो वैसे भी उस पार्टी का को फॉलो करता हूं जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। आज देश ये देख रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ताकत में आती है या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपना ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है वहां वातावरण दूषित होता है। अब ये कहने की बात कि केरल के अंदर आज संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या किसी अन्य दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये गलत है, पर साथ ही साथ यदि आप जन रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं तो देश के हर नागरिक की जन रक्षा करने की जवाबदारी आज आपकी है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और मैं फिर कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ के इस पर कार्रवाई करना चाहिए। माननीय मोदी जी के आज जो चुप्पी है पूरा देश इस बात से संशित है। चलिए, क्या कहेंगे चेतन सिंह आप? अनेक बार मैंने देखा है जब डिबेट होती है तो शब्दों की गरिमा का थोड़ा सा हमको, भाई इसीलिए तो मैं परिचर्चा करता हूँ, डिबेट नहीं करता कभी, मैं तो इसीलिए परिचर्चा करता हूँ। आप लोगों को विषय कन्नूर पर चल रहे, केरल पर चल रहे हो, विषय मध्य प्रदेश पे आ गया, किसानों की लाठी चार्ज,
इस मध्य प्रदेश को जलाने वाले, झुलसाने वाले, अराजकता फैलाने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। एक बार इस पर भी अलग से चर्चा करिए ना। मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि आप इस पर भी चर्चा करिए। आपके प्रशासन में बैठे हुए कल कलेक्टर ने किसानों के ऊपर, मैं कह रहा हूँ ना, अपना उस पर अलग से चर्चा करें ना। दुर्गेश शर्मा विषय पर रहने दीजिए। दुर्गेश शर्मा विषय पर रहने दीजिए भाई। दुर्गेश शर्मा विषय पर रहने दीजिए। फैलाने का काम इस देश में विभाजन करने का काम कांग्रेस ने किया है। अरे दुर्गेश शर्मा विषय पर रहिए भाई। राजनीतिक हत्या आपने की है। दुर्गेश शर्मा विषय पर रहिए। चलिए चेतन सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से बताइए। जल्दी से क्यों साहब, जब आप इनको इतना समय दे रहे तो हमको भी उतना समय दीजिए। अपनी बात जल्दी से कहिए साहब। अगर इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से अगर अपनी आवाज उठाना, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली से कोई रैली करना अगर ये असभ्य माना जाता है, तो लोकतंत्र की परिभाषा में अपने कुशल भट्टाचार्य जी से भी और कांग्रेस के मित्रों से भी समझना चाहूंगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जो वहां के भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं का जो बलिदान हुआ है, जो शहीद हुए हैं, अगर उनकी आवाज उठाने के लिए अगर उनके बीच में जाकर के काम करते हैं, तो इसमें अराजकता क्या है, अराजकता क्या है, मैं समझना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको वोट बैंक में तब्दील करना चाहती, कुशल भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आप है क्या केरल में। मैं भट्टाचार्य जी को बताना चाहता हूं कि हमारा 15.20% वोट है और अगली बार आपकी स्थिति हम वो कर देंगे जो पश्चिम बंगाल में भी आपकी हैसियत है। इसलिए राजनीतिक लड़ाई को राजनीति की परिभाषा में, राजनीति के शब्दों में रखें तो मैं समझता हूं उसकी संवेदनशीलता बनी रहेगी। अगर अराजकता के रूप में, संघ को बदनाम करने के रूप में, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की अगर आप कोशिश करोगे, तो इस हिंदुस्तान की जनता और जनमत ये दोनों आपको अच्छा जवाब देंगे बजाय हमारे जवाब देने के। जहां तक माननीय अमित शाह जी का इस यात्रा में, जन रक्षा यात्रा में सम्मिलित होने का सवाल है, माननीय अमित शाह जी अकेले नहीं है, इस हिंदुस्तान के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की आत्मा उनके साथ में उस जन रक्षा यात्रा में सम्मिलित है। और अवसर आया, अगर पार्टी ने आह्वान किया तो केरल की जितनी आबादी है उससे बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पूरे केरल राज्य में पैदल मार्च करने के लिए तैयार है। राजनीति का स्तर राजनीतिक हत्याओं में तब्दील हो जाए, ये कहां से कैसे संभव है? 17 साल में 123 हत्याएं और सबसे ज्यादा हत्याएं कुन्नूर में, जहां से विजयन जी खुद मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं, जहां से कम्युनिस्ट के वहां के सचिव बालकृष्णन जी खुद चुन करके आते हैं। मैं भी आपके टीवी पर वृंदा कारंत जी का इंटरव्यू देख रहा था। वृंदा कारंत जी और प्रकाश कराज जी, जो खुद की पार्टी में अप्रासंगिक होकर के, जिनका चाल चरित्र चेहरा उनकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में संदिग्ध है, वो हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी गलती क्यों करते हो? हम तो मानते हैं कि आपका कैडर है व्यक्तिगत, आप भी व्यक्तिगत बातों पे चले गए, मुद्दे पर आइए साहब। रिजवान भाई, मैंने उन्होंने जो कहा जी, मैं उनकी बात कही केवल जवाब। हत्याएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, किसी दल के समर्थकों की कम, किसी की ज्यादा, लेकिन लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही है और इसका नैतिक रूप से जवाबदारी तो आप राजनीतिक दलों को लेनी ही पड़ेगी। अगर राजनीति में आज मान लीजिए मध्य प्रदेश से हम चर्चा कर रहे हैं जी, अगर आज मध्य प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप मध्य प्रदेश पर मत जाइए, मैं केरल पर बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह की हत्याएं होंगी तो आरोप तो आएगा ना जी। आज वहां के मुख्यमंत्री जी को अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री को अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आपने सुरक्षा नहीं दी थी, वो वहां आए थे भोपाल में। अरे साहब, नहीं दी थी सुरक्षा है जी, यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमारे गृह मंत्री भी बिना सुरक्षा के चले जाते हैं, हमारे सारे मंत्री बिना सुरक्षा के, मतलब आप बाहर से कोई मुख्यमंत्री आएगा तो कोई सुरक्षा नहीं देंगे आप? अरे भैया, हमारी आईबी है जी, हमारी अपनी रिपोर्ट है जी, अगर वो कहती है कि इनको 11 करोड़ कार्यकर्ता एक प्रदेश में जाने को तैयार है, तो दो कार्यकर्ता भी जूते चप्पल फेंक सकते हैं साहब। साहब, आप इसको इससे क्यों जोड़ते हो? इस हिंदुस्तान में मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया हमने। इस हिंदुस्तान में अनेक आंदोलन देखे, चाहे हमारी पार्टी के हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब विपक्ष की नेता थी तब के हो, लेकिन हम लोगों के इस आंदोलन में अराजकता का कहीं भाव नहीं होता है। अगर किसी ने किया है तो पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके किया है, लेकिन पार्टी के तरफ से इस तरह की गाइडलाइन रहती है कि हमारा अपना आंदोलन है, इसके खुद इसको पालन करना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो किन्नूर में हो रहा है, आज जो केरल में हो रहा है, आने वाले समय में विजयन जी तैयार रहिए, पतंग और आदमी की ऊंचाई इस जनमानस को तब तक अच्छी लगती जब तक आप ऊपर हो, और उस ऊंचाई से एक दिन पतंग को भी नीचे आना है, आदमी को भी नीचे आना है, तब आप जनता को क्या जवाब दोगे? अब एक मीडिया के वरिष्ठ
समीक्षक की तरह एक हम कुछ राजेश सिरोठिया जी से भी समझ लेते हैं, क्या कहेंगे राजेश जी आप? देखिए, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का तो कोई स्थान है ही नहीं, और हिंसा इस तरह से हो कि हत्याओं में तब्दील हो जाए, और लगातार इस तरह का होना, चाहे वो वामपंथियों का हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो रहा हो, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और केरल जैसे राज्य में जो कि 100% शिक्षित है, साक्षर है, 100% साक्षर और शिक्षित राज्य, देश का सबसे शिक्षित राज्य हो में ऐसी घटनाएं होना, ये थोड़ा शर्मनाक लगता है। बंगाल में तो ऐसी चीजें थोड़ा सा आदमी इसको बर्दाश्त कर लेता कि वहाँ पर अभी भी साक्षरता का और शिक्षा का स्तर अभी भी उतना नहीं है, लेकिन यहाँ ये चिंता पैदा करता है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो दुख तकलीफ की जो बात है वो उसमें मोदी जी का एक एजेंडा है। मोदी जी जो है अगले 2019 के चुनाव को देखते हुए, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे केरल हो या ऐसे वो राज्य जहाँ से उनको 2014 में कम सीटें मिली थी, वो वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर 2019 में उनके लिए ज़्यादा पोटेंशियल मिल सकता है। तो 20 सीटें केरल में है लोकसभा की, तो वो सीटें हैं, 42 सीटें आपकी बंगाल की हैं, तो वहाँ वो फोकस इसीलिए कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो खाद मिलती है ना, भाजपा को जो खाद पानी जो मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है? अपीजमेंट के खिलाफ जनमत तैयार करने से। अगर पश्चिम बंगाल में अपीजमेंट हो रहा है ज़्यादा, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है। अगर केरल में अपीजमेंट हो रहा है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फल रही है, 8-15% हो गई, अगले चुनाव में वो ज़्यादा नहीं होगी तो 20-25% हो जाएगी। और कांग्रेस का नेतृत्व वाला UDF हो, चाहे मार्क्सवादी पार्टी के द्वारा संचालित डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, वो दोनों की जमीन तड़क रही है। और जिस तरह से केरल के एक IAS ऑफिसर को राज्य मंत्री बनाया गया है, अल्फांसो साहब को, तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी न किसी तरह से हिंदुत्व और ईसाइयों को साथ लेके चल के एक जो 25% वहाँ के जो मुस्लिम है उनको आइसोलेट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो अब ये तो ममता बनर्जी और विजयन साहब को सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से पोलराइजेशन, अगर वो कास्ट पोलराइजेशन कर रहे हैं या रिलीजियस पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास तोड़ क्या है? क्या हत्याओं से ये मामला सुलझेगा? नहीं सुलझेगा। आपको सबको, सबका विकास करने की और अपीजमेंट खत्म करके सबको एक नज़र से, सारे प्रदेश के नागरिकों को एक नज़र से देखकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ना ये केरल में हो पा रहा है और ना बंगाल में हो पा रहा है। बंगाल में आप जाइए और वहाँ पर आप जो फील लीजिएगा तो आपको कहीं कहीं वैसा ही फील मिलेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय मिलता था। तो धीरे धीरे क्या है, ये सारी चीज़ों से खींच पैदा हो रही। आप सॉल्यूशन बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन बेस्ड काम यही हो सकता है कि आप अपने आप को निर्विवाद रूप से दिखाते रहें। ये नहीं कि एक आप जैसे भट्टाचार्य साहब बोल रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि हिंसा किसी की भी हो बर्दाश्त नहीं जाएगी, ये इस तरह की जुमलेबाजी और भाषणबाजी हम दिल्ली से लेके केरल तक सब जगह सुनते रहते हैं। हम सबसे बड़ी चीज़ जो है जनता ये देखती है कि एग्जीक्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है वो? ऐसा आप कहते कुछ है, एग्जीक्यूट कुछ होता है, और ये डिफॉर्मिटी है या ये विरोधाभास है, ये हमें दिल्ली के नेताओं में भी नज़र आता है और केरल के नेताओं में भी नज़र आता है और बंगाल में ममता बनर्जी का भी नज़र आता है। तो देखिए, भाजपा की जमीन को फसल लहलाने के लिए अगर आप उर्वरक और खाद देंगे अपीजमेंट का, तो निश्चित रूप से उसको फलने फूलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मोदी का जो अपना विजन है कि जो सीटें उनकी कम होंगी नॉर्थ बेल्ट से, उसको इस तरह से जो नॉन BJP पॉकेट्स हैं उससे वो कंपनसेट करने की कोशिश करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो इस बारे में इनको विचार करना चाहिए बजाय इस तरह के टकराव और हिंसा की राजनीति करने के। भट्टाचार्य, क्या कहेंगे आप? भूषण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। आपने सुनी सबकी बातें? हाँ, मैंने सुनी सबकी जी बातें। जी, मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा जी कि जो जिस विकास के एजेंडा को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो विकास का जो बुलबुला है वो पूरी तरीके से फूट गया है। और उनको ये मालूम है कि इस विकास के एजेंडा पे चल के आगे बढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो जनता के बीच में विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में जितनी घटनाएं हो नहीं रही उससे 10 गुना प्रचारित करके और
पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि केरल में सड़क चलते एक दूसरे का गला काट दिया जा रहा है। जो 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 वहां पे हत्याएं हुई हैं वो बहुत दुखपूर्ण है, परंतु उन पर जितनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई वहां की सरकार कर रही है। जिनको अभी वर्तमान में भी जो हत्याओं की घटना हुई है, वो हत्याओं के तत्काल कुछ ही दिनों के अंदर उन हत्यारों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करके उनको कानून के हवाले किया गया है। परंतु यहाँ कोशिश इस बात की जा रही है कि किस तरीके से पूरे मामले का एक राजनीतिक लाभ उठाया जाए। हमारे इस कार्यक्रम में पूषण भट्टाचार्य आप जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप जुड़े, चेतन सिंह आप जुड़े और राजेश रोठी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से केरल में हो रही हिंसक वारदातों का विरोध करती रही है, अब इस बार उसने एक अपने ऐसे हिंदुत्व के चेहरे को उतारा है जो बहुत हार्ड लाइनर हैं, जिनके बारे में बहुत तरह की बातें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़े से उनके कामकाज करने के तरीके में बदलाव आया था, लेकिन फिर वो उसी राह पर चलते नजर आने लगे हैं और अब उन्होंने वहाँ पर बाकायदा रैली निकाली है और जाहिर है पूरे देश में एक ध्रुवीकरण का माहौल बनेगा इससे, और ध्रुवीकरण का माहौल और उसका लाभ किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है लेफ्ट राइट करके देश में एक राजनीतिक माहौल और मिशन 2019 की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।